तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के बारे में, ठीक है। सो पीआईबी में एक न्यूज़ आई थी कि अब तक जब से शुरुआत ये स्कीम की हुई तब से लेकर अब तक लगभग 92,000 एंटिटीज़ को स्टार्टअप की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, ठीक है। मोर देन 92,000 एंटिटीज़ हैव बीन रिकॉग्नाइज स्टार्टअप सिंस द लॉन्च ऑफ दिस स्कीम। स्कीम लॉन्च कब हुआ था? ये स्कीम लॉन्च हुआ था 2016 में। देखिए, स्टार्टअप इंडिया हो या स्टैंडअप इंडिया हो, दोनों द ईयर ऑफ लॉन्च 2016 है, ठीक है, 2016 है, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री क्या है? नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इंप्लीमेंटिंग एजेंसी DPIIT है। बेसिकली स्टार्टअप इंडिया स्कीम में है क्या? हम स्टार्टअप इंडिया स्कीम में एक एक्शन प्लान बनाएंगे जिसके अंडर स्टार्टअप को हम कई तरह की रियायतें प्रोवाइड करेंगे, बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि स्टार्टअप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके। अब ये स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान है क्या? तो देखिए, बेसिकली तीन एक्शन प्लान है, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव, और तीसरा इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। तो अगर हम सिंप्लीफिकेशन और हैंड होल्डिंग की बात करें ना, तो इसमें तीन तरह के सपोर्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। पहला, लीगल सपोर्ट। लीगल सपोर्ट में क्या होगा ना कि 9 टाइप के लेबर लॉज और 3 इन्वायरमेंटल लॉज, अप टू अंडर 9 लेबर लॉज एंड 3 इन्वायरमेंटल लॉज जो स्टार्टअप होगी ना उसको वो सेल्फ सर्टिफाई कर देगा। सेल्फ सर्टिफाई कॉम्प्लायंस है, ठीक है, मतलब किसी कोई लेबर इंस्पेक्टर आके चेक नहीं करने वाला, ठीक है। जो स्टार्टअप होगी ना वो सेल्फ सर्टिफाई करके खुद बोलेगी, हाँ भाई हम आपके लेबर लॉ से कॉम्प्लायंस कर रहे हैं और हम इसके सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी लेबर इंस्पेक्टर को हमारे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन कब तक किया जाएगा ये, कब तक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा ये? अप टू 3 से 5 साल की प्रोवाइड किया जाएगा, जब से फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। लीगल सपोर्ट समझ में आ गया। दूसरा, IPR सपोर्ट। इसमें स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब अगर कोई स्टार्टअप रजिस्टर कर, अगर स्टार्टअप पेटेंट या ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन कर रही है ना, तो जो जब वो एप्लीकेशन फाइल करेगी तो जो फीस उससे लिया जाएगा वो सिर्फ स्टेट्यूटरी फीस होगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस और नहीं लिए जाएंगे, ठीक है, ओके। और अगर पेटेंट फाइल कर रही है तो अप टू 80% का रिबेट मिलेगा इन केस ऑफ पेटेंट फाइलिंग, और अगर ट्रेडमार्क के लिए फाइल कर रही है तो 50% ऑफ रिबेट मिलेगा, ट्रेडमार्क के लिए 50%, पेटेंट के लिए 80%, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। और देखो, एक तो हो गया लीगल सपोर्ट, एक हो गया IPR, और एग्जिट प्रोसेस की बात करते हैं। तो मान लीजिए किसी कारण अगर स्टार्टअप फेल हो जाती है तो स्टार्टअप को फास्ट ट्रैक फर्म के अंडर कैटेगराइज किया गया है। इसका मतलब यह है कि जो एग्जिट का डेट है ना वो 90 दिन के अंदर वो अपना ऑपरेशन वाई टाइम करके निकल सकती है। जनरली इंडस्ट्री के लिए 180 दिन होता है टाइम, इसके लिए 90 डेज का, भैया आप 90 दिन के अंदर ही निकल जाइए, ज़्यादा झेलने की जरूरत नहीं है आपको, और दूसरा स्टार्टअप आप स्टार्ट करिए, ठीक है। तो हमने सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग देख लिया। अब बात करते हैं फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव की। देखिए, जहाँ तक बात है फंडिंग सपोर्ट की, तो तीन तरह के फंड को इस्टेब्लिश किया गया, तो सपोर्ट है स्टार्टअप। पहला, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड और फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप स्कीम। देखो, शुरुआत के दो जो फंड है ना, ये ऑलरेडी मैंने सेपरेट लेक्चर बना के डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। सो एमएसएमई के आप प्लेलिस्ट पे जाएगा, आपको ये दोनों फंड मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हम ना फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप स्कीम को डिस्कस करते हैं। सो इसकी शुरुआत भी 2016 में हुई थी, जब इस स्कीम की शुरुआत थी, ये फंड भी उसी टाइम क्रिएट किया गया था। मॉनिटरिंग एजेंसी DPIIT, ठीक है, ऑपरेटिंग एजेंसी SIDBI है। टोटल कॉर्पस 10,000 करोड़ का है, ठीक है। की फीचर क्या है? देखिए, ये डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करेगी स्टार्टअप में, ठीक है। ये क्या करेगा ना, ये फंड प्रोवाइड करेगा CP रजिस्टर्ड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में, जो कि डॉटर फंड का काम करेगा, और ये AIF फिर इक्विटी के टर्म्स में ना दूसरे स्टार्टअप्स में पैसा लगाएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, ठीक है। अब इसमें ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए AIF, मतलब किसी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में, किसी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में कितना पैसा दिया जाएगा मिनिमम, ये ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। और देखो, जो टोटल कलेक्टिवली जो AIF है ना, जिसको सपोर्ट किया जा रहा है फंड ऑफ फंड स्कीम के अंडर, टोटल इसका जो टारगेट कॉर्पस होगा वो 48,000 करोड़ का होगा, 48,000 करोड़, ठीक है। और जितना AIF में इन्वेस्ट किया जाएगा, एटलीस्ट उसका ट्वाइस जो AIF होगा वो इन्वेस्ट करेगा,
स्टार्टअप में कई स्टेज हो सकते हैं, अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट कर सकता है, सीड स्टेज में इन्वेस्ट कर सकता है या फिर ग्रोथ स्टेज में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमने फंडिंग देख लिया। इंसेंटिव की बात करें तो 3 साल के लिए एग्जेम्पशन है फ्रॉम फाइलिंग इनकम टैक्स आउट ऑफ 10 ईयर, 10 साल के अंदर कोई भी 3 साल में आपको एग्जेम्पशन दिया जा गया है इनकम टैक्स फाइल करने में अगर आपका स्टार्टअप का इनकॉर्पोरेशन 1 अप्रैल 2016 के बाद हुआ है। ठीक है, तीसरा इंडस्ट्री अकेडमी में पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन, ठीक है, पार्टनरशिप होगा, कोई स्टार्टअप का आइडिया होगा, कोई इनोवेशन होगा तो इंडस्ट्री आपस में पार्टनरशिप करके जो भी इनका R&D होगा तो R&D पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, सो 3 एक्शन अपना समय में आ गया। अब देखिए, स्टार्टअप इंडिया हब की शुरुआत हुई थी अगले साल मतलब 2017 में। ठीक है, 2016 के बाद 2017 इस स्टार्टअप इंडिया हब की शुरुआत हुई थी। इसका क्या था, इसका मेन मकसद क्या था, एक तरह से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का काम करेगा ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना सब आपस में मतलब अपने अपने विचार रख सकें, ठीक है, बातों का हो सके, अपने आइडिया शेयर कर सकें। ठीक है, और 2020 में नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना की गई थी टू एडवाइज द गवर्नमेंट रिगार्डिंग इट्स पॉलिसी ऑफ स्टार्टअप। ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी PDF मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।